आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के क्वेश्चन मैथ्स और उसका सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटलेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400। क्वेश्चन में पूछा है कि रेज फ्रॉम ए लेंस आर कन्वर्जिंग टुवर्ड्स ए पॉइंट बी पी एज शोन इन द फिगर। हाउ मच थिक ग्लास प्लेट हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 मस्ट बी लोकेटेड बिटवीन द लेंस एंड ऑब्जेक्ट एंड पॉइंट पी सो दैट द इमेज विल बी फॉर्म्ड एट पी डैश। पी डैश पे इमेज फॉर्म करना है, पहले पी पे फॉर्म हो रहा था, इसका मतलब जो ग्लास प्लेट से जो शिफ्ट होना चाहिए दैट शुड बी पी पी डैश, पी पी डैश शुड बी द शिफ्ट। सो लेंस के बाद जो रिफ्रैक्शन होगा इन द ग्लास प्लेट उसके वजह से जो शिफ्ट होगा दैट शुड बी पी पी डैश, ताकि पी के जगह पे पी डैश से इमेज जो है वो फॉर्म हो। तो पी पी डैश दैट इज 0.3 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 1 - 1/μ/T रिफ्रैक्शन द डेविएशन एक्चुअली द शिफ्ट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द ग्लास स्लैब। इसका फॉर्मूला 1 - 1/μ/T ये हमने यूज़ किया यहाँ पे, म्यू हमें पता है, टी हमें निकाल लेंगे, तो टी हम निकाल लेंगे 0.3 सेंटीमीटर दैट इज इक्वल टू 1 - 1/μ ऑफ ग्लास इज 1.6 इंटू टी। 0.3 सेंटीमीटर हो जाएगा हमारा 0.6 / 1.6 इंटू टी, टी हो जाएगा हमारा 0.3 × 1.6 / 0.6, सो ये हो जाएगा हमारा 2, दिस शुड बी 0.8 सेंटीमीटर। हमारा जो टी है दैट इज 0.8 सेंटीमीटर, दैट इज ऑप्शन ए, दैट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो द थिकनेस ऑफ ग्लास प्लेट हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 मस्ट बी 0.8 सेंटीमीटर।